अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज के लेक्चर के अंदर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। ये नाइन्थ क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर BSc 1 और BCom 1 के अंदर ये लेक्चर मौजूद है। इन चारों क्लासेस के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो बुक हम फॉलो करेंगे इसके लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए IT सीरीज है, इसी तरह से BCom 1 के लिए भी IT सीरीज और BSc 1 के लिए भी हम IT सीरीज की बुक को फॉलो करेंगे, और नाइन्थ क्लास के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन को हम फॉलो करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर आज हमें नज़र आता है, ये मुख्तलिफ मराइल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा। तो जनरली 5 जनरेशन जो है उसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। हर जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल जो है डेवलपमेंट हुई। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ जनरेशन के अंदर क्या चेंजिंग आई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 तक है। वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो चीज़ यूज़ की गई वो वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब जो है वो शीशे की बनी हुई एक ट्यूब की तरह से थी, जिसके अंदर प्रोसेस होता था। जो प्रोसेस आज CPU के अंदर होता है, इसी तरह का प्रोसेस इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर होता था। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा जो है पावर यूज़ करती थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ये इनके अंदर इस्तेमाल होती थी। आपको पता है कि जब भी कहीं पे बल्ब या ट्यूब को जलाया जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो वैक्यूम ट्यूब भी बहुत ज़्यादा हीट इनके अंदर प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से सारा जो माहौल है वो गर्म हो जाता और हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो बग़ैर एयर कंडीशन के ये कंप्यूटर जो है ये रन नहीं कर सकते थे। फिर ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी और हज़ारों की तादाद में एक कंप्यूटर के अंदर ये लगी हुई थी, जिसकी वजह से क्या था कि कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर अक्सर ये जो है ये जल जाती, क्योंकि इनके अंदर फिलामेंट होता था और फिलामेंट जो है उसकी एक लिमिट है कि एक मुद्दत के बाद उसने जल ही जाना है। तो कुछ अरसे के बाद फिर इनको रिप्लेस करना पड़ता था। तो इनकी मेंटेनेंस, इनको रिप्लेस करना ये इंजीनियर ही कर सकते थे। तो नॉर्मल यूज़र के लिए इनको इस्तेमाल करना, इनको रिप्लेस करना ये काफ़ी मुश्किल था। स्पीड इनकी काफ़ी स्लो थी और उस वक़्त के कंप्यूटर के अंदर मेमोरी साइज भी बहुत कम था। फिर उसके बाद ये महंगी थी काफ़ी, और इस तरह के जितने भी कंप्यूटर बने थे वो काफ़ी महंगे थे, अनरिलायबल थे, इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते थे। किसी भी वक़्त ये ख़राब हो जाते थे, बल्कि रोज़ ये ख़राब होते थे, और इनके लिए इंजीनियर्स हर वक़्त जो है इनके ऊपर काम कर रहे होते थे। उस वक़्त के कंप्यूटर्स के अंदर जिस तरह से आज इनपुट डिवाइसेस हमारे पास हैं, इस तरह से नहीं थी कि जैसे हम कीबोर्ड से इजीली जो है डाटा को इंटर कर लेते हैं, कि जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू डाटा को इजीली इंटर कर लेते हैं, तो उस वक्त ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस नहीं थी, और ना ही इसी तरह की आउटपुट डिवाइसेस थी जैसे आज हैं। तो पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे, पंच कार्ड जिनके अंदर मुख्तलिफ कोडिंग के थ्रू डाटा जो है इंटर किया जाता था और प्रोसेस होता था, और हमें रिज़ल्ट भी पंच कार्ड के ऊपर मिलता था, जिसको अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल था और डाटा को इंटर करना भी काफ़ी मुश्किल था। मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, उस वक़्त सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, बल्कि मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है वो इस्तेमाल होती थी, 0 और 1, जिसके अंदर काम करना काफ़ी मुश्किल था। तो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे साइज़ में बड़े थे, बहुत ज़्यादा पावर लेते थे, मेंटेनेंस उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो ये सारे इसके नुकसान थे। तो फ़ायदा क्या था
कि फर्स्ट जनरेशन इस वैक्यूम ट्यूब ने रिप्लेस किया था मैकेनिकल कंप्यूटर्स को, और मैकेनिकल कंप्यूटर जिनके अंदर ग्रारी लगी हैं, लीवर लगे हैं और इस तरह की चीज़ें लगी हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लो थे। तो उसकी निस्बत ये वैक्यूम ट्यूब जो है, जब ये आई 1940 के अंदर, तो इसने जब मैकेनिकल कंप्यूटर को रिप्लेस किया तो स्पीड काफ़ी बढ़ गई। तो ये सिर्फ इसका एक एडवांटेज था, बाकी सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नुकसान ही थे कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा साइज में बड़े थे, मेंटेनेंस मुश्किल थी और अनरिलायबल थे। तो इनके कुछ एग्जांपल जो फर्स्ट जनरेशन की हैं उसमें यहाँ पे कुछ दी गई हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे यूज़ की गई है और बहुत बड़े बड़े सर्किट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जनरेशन में, 1956 से 1963 तक। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ किए गए। ये थ्री साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया। तो ट्रांजिस्टर की ईजाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक की पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, कि जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब को यूज़ कर रहे थे जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसकी जगह पे ये हमारे पास ट्रांजिस्टर जो हैं ये काफ़ी साइज़ में जो हैं कम हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। साइज़ में ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ये रिलायबल हैं और वैक्यूम ट्यूब के निस्बत इनको रिप्लेस करना भी आसान है, रिलायबिलिटी भी इनके अंदर ज़्यादा है। लेकिन ये फिर भी ये भी गर्म होते थे, जिसके लिए हमें फिर भी एयर कंडीशन की ज़रूरत थी। स्पीड और मेमोरी इंक्रीज़ हुई फर्स्ट जनरेशन की निस्बत, लेकिन आज की निस्बत अगर हम देखें तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम थी और मेमोरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। जब भी आप कंपेयर करेंगे दो जनरेशन्स को, तो अगर पहली वाली जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो साइज़ में हम कहेंगे कि कम हुआ, उसमें स्पीड भी ज़्यादा हुई, मेमोरी भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और रिलायबिलिटी भी उसके अंदर आई। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे आज की जनरेशन के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम थी। ट्रांजिस्टर जो है वो 80 टाइम फास्टर था वैक्यूम ट्यूब के निस्बत। इस जनरेशन के अंदर भी पंच कार्ड इस्तेमाल किए गए, मैग्नेटिक टेप जो है वो स्टोरेज के लिए यूज़ की गई, प्रिंटर्स को यूज़ किया गया, लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज उसको यूज़ किया गया, फोर्ट्रान को, बोल वगैरह को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। ये साइज़ में आपको यहाँ पे ये भी काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। थर्ड जनरेशन 1963 से 1971 तक है। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए, जिनको सेमीकंडक्टर चिप्स भी कहा जाता है। एक माइक्रोचिप के अंदर या आईसी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो ट्रांजिस्टर जो अलग अलग लगे थे उनकी जगह पे जब एक आईसी को चेंज किया गया, तो इसने स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए सेकंड जनरेशन की निस्बत। रिलायबिलिटी इनकी ज़्यादा थी सेकंड जनरेशन की निस्बत, और ये काफ़ी जो हैं वो सस्ते हो गए सेकंड जनरेशन की निस्बत। स्पीड और मेमोरी जो है ये इंक्रीज़ हो गई इनके अंदर, साइज जो है वो डिक्रीज़ हो गया इनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होना शुरू हो गई। ये कंप्यूटर भी हीट अप होते थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की निस्बत इतने ज़्यादा हीट अप नहीं होते थे। इसके बाद फिर मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन के अंदर स्टार्ट होगी। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। इससे पहले यह था कि आप एक ही प्रोग्राम को आप रन कर रहे थे, तो जब वो ख़त्म होता दूसरा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता था, जबकि थर्ड जनरेशन के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई कि एक वक्त में आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं।
हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ गई, रैम जो है उसकी कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ गई, कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होना शुरू हो गए, जिसके थ्रू जो है डाटा को इंटर करना और डाटा को देखना ये बड़ा आसान हो गया। मेंटेनेंस कास्ट भी जो है काफ़ी कम होगी, क्योंकि आईसी के ख़राब होने के चांसेस वैक्यूम ट्यूब की निस्बत और ट्रांजिस्टर की निस्बत काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कास्ट भी काफ़ी जो है वो कम हो गई। इस दौर के मुख्तलिफ कंप्यूटर की एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ जनरेशन, 1971 से लेकर 1980 तक, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए। माइक्रो प्रोसेसर जो कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ आईसीस का, कि जो काम पहले अलग अलग मुख्तलिफ आईसीस के थ्रू किया जाता था, उसको कंबाइन करके एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। एक चिप जो है जिसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं मौजूद होते हैं और बाकी सर्किट भी मौजूद होते हैं, जो एक कंप्लीट कंप्यूटर की तरह से बिहेव करता है। तो वो कंप्यूटर जो किसी ज़माने में पूरे कमरे के जितने बड़े थे, वो एक छोटे से चिप के अंदर कन्वर्ट हो गए। साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गया और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। माइक्रो प्रोसेसर एक पूरे कंप्यूटर की तरह से बिहेव करता है। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर भी लगाया जाता है, टीवी के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर, ओवन के अंदर, उसी तरह से मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर इसको एक पूरे कंप्यूटर की तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो जो कंप्यूटर बनना शुरू हुए, माइक्रो कंप्यूटर बनना शुरू हुए, यानी इनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टेराबाइट्स के अंदर जो है स्टोरेज डिवाइसेस आना शुरू हो गई। और हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो हमारे पास मौजूद है। एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम बनना शुरू हो गए, रिलायबल माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी रिलायबल हैं, कि इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं और ये कम पावर जो है, ये कम इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू आईसीज और वैक्यूम और ट्रांजिस्टर के। पोर्टेबल और वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बनना शुरू हुई। पोर्टेबल मींस कि आप डिवाइसेस को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर आप मूव कर सकते हैं। लैपटॉप बनना शुरू हो गए, कि पूरा कंप्यूटर आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया। मल्टीमीडिया मीन कि जिसके अंदर हर तरह का डाटा मौजूद हो, कि जिसके अंदर टेक्स्ट भी मौजूद हो। मल्टीमीडिया मीन मल्टी यानी ज़्यादा, मीन्स के वहाँ पे टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, साउंड भी है, आपके पास वीडियोस भी हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दी गई हैं, कोर टू डू, कोर i7, कोर i3, कोर i5, जिसकी फर्स्ट जनरेशन जो है वो बनाई गई। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास कोई इस तरह से डिवाइस तो नहीं बनाई गई या चेंज नहीं हुई, बल्कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर थे वही अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के अंदर चेंज हो गए। यानी पहले अगर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे उनके अंदर, तो आज जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं वहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और इस तरह की नीनो टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि साइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गया है और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर एक्चुअली मल्टीपल प्रोसेसर्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, बजाय एक प्रोसेसर के, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर आपके कंप्यूटर्स के अंदर लगे होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। और प्रोसेसर का काम ये होता है कि वो कैलकुलेशन करता है, एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग है। तो ये एक से ज़्यादा फोर्थ जनरेशन से ही शुरू हो गए थे,
लेकिन फाइव जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको स्टार्ट किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन कि आपका कंप्यूटर इंसान की तरह से सोचना शुरू किया उसने, यानी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको प्रोवाइड की गई कि वो खुद से डिसीजन करता है और मुख्तलिफ मामलात को खुद ही वो हैंडल करता है, जिसके अंदर रोबोट्स बनाए गए और इस तरह की बहुत सारी जो है चीज़ें बनाई गई जो आपको बगैर इंसानों के वो खुद ही चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। फिर पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर एडवांसमेंट हुई। पैरेलल प्रोसेसिंग मीन के एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है प्रोसेसर जो है आपस में मिल के जो है किसी भी टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको, और बड़ी तेज़ी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाए गए। आज जो सॉफ्टवेयर हैं उनको इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है, उनको यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है कि एक बच्चा भी बड़े आसानी के साथ जो है कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। जो किसी ज़माने में सिर्फ साइंटिस्ट और सिर्फ इंजीनियर ही कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर को इस्तेमाल करना जो है बहुत आसान हो गया क्योंकि इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। इसका इंटरफेस जो है, इंटरफेस मीन्स के वो पैनल जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को मुख्तलिफ जो है अदायात देते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स देते हैं, जो आपको बटन्स, आपको मेन्यूज और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, इंटरफेस कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया गया, जिसके थ्रू क्या हुआ कि कमांड्स को प्रोवाइड करना और कंप्यूटर को हैंडल करना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होना शुरू हो गई। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीप और वो सस्ते बनना शुरू हो गए। फाइबर ऑप्टिकल को इस्तेमाल करना शुरू किया गया। फाइबर ऑप्टिकल के अंदर जो है लाइट की स्पीड के साथ जो है डाटा मूव करता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिंग चीज़ है वो लाइट है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट डाटा जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, और तेज़ी के साथ डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कम्युनिकेट होता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। वॉइस रिकग्निशन फीचर जो हैं ये ऐड किए गए, मींस के जो हम बोलते हैं कंप्यूटर उसको खुद ही समझता है, उसको ट्रांसलेट कर सकता है, उसको जो है इंटर कर सकता है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ तो कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि ये जो मैं बोलूँगा उसको कंप्यूटर के अंदर वो इंटर कर देगा। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और रोबोट्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम इनको कंपेयर करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर है, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी है, फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, फिफ्थ के अंदर भी आपके पास प्रोसेसर के अंदर ही चेंजिंग आई है कि उनको और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। और इसके अलावा इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क जो है इसको बढ़ा दिया गया है। साइज़ को अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन में साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था, और जो जो आप अगली जनरेशन की तरफ आते हैं तो ये साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया। और अगर कास्ट को हम देखें तो शुरू में कास्ट ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी, जो 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 हम अगली जनरेशन की तरफ आए तो जो कॉमन कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल पीसी जो यूज़ करते हैं, उनकी कास्ट जो है बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गई। प्रोसेसिंग की तरफ अगर हम आएँ तो शुरू के जो कंप्यूटर थे उनकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी, और नेक्स्ट जनरेशन में जो भी हम आते गए तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। मेमोरी और हार्ड डिस्क को अगर हम देखें तो उसके अंदर मेमोरी हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा कम थी, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये बढ़ती गई। अब अगर हम इस पूरे चैप्टर की समरी अगर हम लें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब 1940 से लेकर 1956 के अंदर, फिर पंच कार्ड और मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई, इसने रिप्लेस किया था मैकेनिकल कंप्यूटर्स को, और इस डिसएडवांटेज के अंदर उस वक्त हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, डिफ़िकल्ट था इनको रिपेयर कर, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर 1956 से 1963 के अंदर मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो हैं उनको यूज़ करना शुरू किया गया, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू किया गया। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास कंपाइलर्स
और आईओ कंट्रोलर जो है वो यूज़ करना हमने शुरू किया। रिलायबिलिटी बढ़ी और ये काफ़ी सस्ते हुए फर्स्ट जनरेशन की निस्बत। लेकिन अगर आज की निस्बत हम देखें तो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे और साइज़ में भी बड़े थे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी है 1963 से लेकर 1971 के अंदर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हुई, सी लैंग्वेज जैसे है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनना शुरू हुए, फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनना शुरू हुई, ज़्यादा रिलायबल थे, स्टोरेज ज़्यादा थी, मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई। आज की निस्बत अगर हम देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे थे, साइज़ में बड़े थे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फोर्थ जनरेशन को देखें तो माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुए 1971 से 1980 तक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, वर्चुअल मशीन जो है वो बनना शुरू हुई। माइक्रो कंप्यूटर मीन्स के बहुत ज़्यादा स्मार्ट और छोटे कंप्यूटर बनना शुरू हुए, चीप थे, बहुत ज़्यादा सस्ते थे, मोर रिलायबल थे। आज की निस्बत देखें तो ये भी स्लो थे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कोर टू डू है, कोर i3, कोर i7, उसी तरह से फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तक हमें मिलती हैं। फिफ्थ जनरेशन के अंदर आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क स्टार्ट हुआ 1980 से लेके आज तक। नेचुरल लैंग्वेजेस के ऊपर काम शुरू हुआ, इंटरेक्टिव लैंग्वेजेस, सिमुलेटर्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। जो प्रॉब्लम है फिफ्थ जनरेशन के अंदर कि ये सारे टूल्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना काफ़ी मुश्किल है। और आज भी हम जो हमें रिक्वायर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वहाँ तक अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये कंप्यूटर, अगर इनकी एग्जांपल ली जाए, यानी सुपर कंप्यूटर और इस तरह के कंप्यूटर को अगर लिया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। नॉर्मल जो पीसी हैं उनकी कास्ट तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आप कंप्यूटर को दे रहे हैं तो ये मशीनें आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होती जा रही हैं और ये इंसानों को हराती जा रही हैं। आज के चैप्टर में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज़।